जिनकी शक्तियां जागृत हुई पूरे ब्रह्मांड के संचालन के लिए। और ये शिव जो अब जगत के लोगों ने जिस शिव को जाना उसी रूप से उनको पुकारना शुरू किया। कभी वो रुद्र के रूप में दिखाई दिए तो लोगों ने दुनिया में नाम दिया रुद्र। दुनिया के लोगों ने कहा कि ये जो तूफान है ये, तो लोगों ने कहा कि ये कौन है, तो ये शिव ही है, यही शंकर है। शंकर देने तो ज्ञान देने के कारण तो शंकर कहलाता है, तो शंकर है, सम्भू है, स्वयं से उत्पन्न है, तो दुनिया ने नाम दिया सम्भू, खुद से उत्पन्न। काल भाव से भी जिसका नियंत्रण है, यानी कि उन्हीं की इच्छा से ये दुनिया बनी, तो स्वाभाविक है कि इस दुनिया की जो नियामक शक्ति है, यानी दुनिया को जो चलाती है, जो ऊर्जा चला रही है, उन सारी ऊर्जा का नियंत्रण किसके हाथ में है, तो शिव के हाथ में है। यानी शिव नियामक शक्ति के भी नियंत्रण करने वाले वही है। इसीलिए काल के भी नियंत्रित देवता माने गए, तो कहा गया महाकाल है। आप गौर कीजिएगा कि दुनिया में आप कहीं चले जाइए, असंख्य देवी देवता हैं, भारत में तो है ही, किताबों में तो लिखा गया कि 33 करोड़ है, लेकिन महासब, अगर महाकाल का प्रयोग करते हैं तो महाकाल सिर्फ शिव को कहा गया और महाकाली यानी अघोरा महाकाली को कहा गया, जो समय से परे की देवी है, समय के परे के देवता है। लेकिन जब ये दुनिया बनी, कोई भी चीज जब बनती है तो बनती है बहुत अच्छे चीज के लिए, लेकिन अगर हमको उसका इस्तेमाल करने का ज्ञान नहीं हो तो क्या होता है? अगर इस्तेमाल करना नहीं आता हो तो आपके लिए वो चीज होते हुए भी बेकार हो जाती है। जैसे मैंने बहुत छोटे में अपने देखा था कि जब पहली बार गैस का चूल्हा आया था, और उस समय ज्यादातर जगहों पे लोग लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो जब गैस का चूल्हा आया था तो बहुत दिन तक हमारी माँ बाबा को गैस कैसे ऑन किया जाता है नहीं आता था, डर लगता था कि कहीं खुला रह गया तो हम मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। मतलब कि शक्ति है, ताकत है जिसपे हम तुरंत भोजन बना सकते हैं, लेकिन उसको चलाने का ज्ञान जब तक नहीं आया वो आपके लिए उपयोगी नहीं होंगे, विध्वंसक थे। लेकिन जब आपने उसको बनाने का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको शुरू करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो आपके लिए वो उपयोगी है। इसी तरह दुनिया की किसी भी चीज के बारे में, मोटरसाइकिल आप खरीद लीजिए और उसको चलाने का ज्ञान नहीं होता, क्या होगा? मोटरसाइकिल तो आपके लिए बेकार है। गाड़ी खरीद लीजिए और गाड़ी अगर खड़ी है आपको चलाने नहीं आती तो आपके लिए तो बेकार है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप पैसे से खरीद सकते हैं लेकिन अगर उसको चलाने का ज्ञान नहीं हो तो आपके लिए वो बेकार है। अब हम आते हैं फिर से महादेव के अनेक रूपों पे। महादेव ईश्वर है, उनको कहा गया कि वो सिर्फ ईश्वर ही नहीं है, ईश्वरों के भी ईश्वर, यानी भगवान भी अगर कोई है और धरती पे तो उन भगवानों के भी भगवान कौन है? तो वो महादेव है। इसीलिए उनको कहा गया महेश्वर, यानी ईश्वर को भी जो नियंत्रण में रखते हैं वो महेश्वर महाईश्वर है। तो किसी भी रूप में जब हम बनते हैं दुनिया में तो सबसे ऊपर बैठे नजर आते हैं महादेव अनेक रूपों में। जिस रूप से आप चलना शुरू कीजिएगा, देखिएगा बहुत पंथ हमारे चले जो कपाली सामना करते थे, शमशान की साधना करते थे, तो शमशान की साधना करने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि कपालिक साधना करते हैं, उनके भी ईश्वर कौन है? तो कपालेश्वर महादेव। अब अघोरी को देखिएगा, उनके भी ईश्वर कौन है? तो छिपी हुई दिखती है। जिस रूप से आप आगे बढ़िए, अब महेश्वर के रूप में
हम महादेव की पूजा हजारों साल से करते हैं, हमारे पूर्वज करते आए, और उन्होंने पूजा करके, उपासना करके, शिव के मंत्रों का जप करके बहुत कुछ प्राप्त किया। जो चाहा, दिल से मांगा, यहाँ तक कि महादेव के लिए तो दुनिया ने कहा कि अगर भाव से आप जल भी अर्पित कर देते हैं तो महादेव खुश हो जाते हैं। वो भोला है, भोला किसी भी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाइए तब, दूध चढ़ाइए तब, बेलपत्र चढ़ाइए तब, कुछ भी चढ़ा दीजिए तब। अनजाने में भी अगर कोई उनसे सट जाता है तो वो दुनिया में पूजित होता है। एक बार बहुत पहले साहब का एक कार्यक्रम था जिसमें वो गए थे, वहां के पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतने प्रसिद्ध हैं, मतलब आप देखने में तो एकदम सामान्य लगते हैं, सफेद कुर्ता पजामा पहने हैं आप, सामान्य हैं, लेकिन इतने प्रसिद्ध हैं, लोग आपके दीवाने हैं, आखिर आपकी इस प्रसिद्धि का राज क्या है? साहब ने उत्तर दिया था उस समय कि शिवलिंग पे सांप जो सड़क पे जा रहा था, उस सांप को शिवलिंग पे किसी ने रख दिया, लेकिन उस सांप को याद है कि किसी ने रख दिया। उस समय हम लोग उनकी बात को नहीं समझ सके कि ये क्या बोल रहे। जब लौट के हम लोग वापस आए तो साहब ने उसे, हम लोगों ने पूछा कि आपने जो उस पत्रकार को ऐसा कहा, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि सांप के बारे में कहा जाता है कि वो जहर रखता है, टेढ़ा चलता है, सीधा कभी नहीं चलता है, लाख आप उसको सीधा करिए वो चल ही नहीं पाएगा, तो इसके लिए उसको हमेशा टेढ़ा चलना पड़ता है, और वो अपनी रक्षा करने के लिए अगर फल काटेगा तब भी उसके मुंह से क्या निकलता है? तो जहर ही निकलता है। यानी जहर जिसके स्वभाव में है, टेढ़ा चलना जिसके नियति है, और जो संसार में, दुनिया में कहीं भी निकल जाए तो उसको लाठियों से पीटा जाता है, क्योंकि लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं डस लेगा तो मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन वही शान, वही सच, अगर गलती से भी, किसी नाले से होके भी मंदिर के शिवलिंग पे निकल जाता है तो क्या होता है? तो मंदिर के शिवलिंग पे अगर वो निकल जाए तो भीड़ जमा हो जाती है, और दूध लावा चढ़ाने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शिव को देखते हैं। वो कहते हैं कि शिव ही आ गए, जो शिव से सका वो शिव का ही रूप हो जाता है, तो उसको शिव की तरह सम्मान मिलने लगता है। लेकिन सांप को भी ये याद रखना चाहिए कि किसके कारण मिलता है ये सम्मान, किसके कारण मिलता है, वो ना भूल जाए इस बात को। यही बात उन्होंने उस दिन कही। तो जब हम इस दुनिया में महादेव की पूजा करते हैं, महादेव से जो भी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। मिल भी जाए सारी चीज अगर, लेकिन उसको संचालित करने का ज्ञान नहीं हो तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि जब महादेव की पूजा करते ही है, महादेव से मनोकामना पूरी हो ही जाती है, तो अलग से गुरु बनाने की जरूरत क्या है? आप जब बात करते होंगे तो बहुत लोग आपसे ये प्रश्न करते होंगे कि अलग से गुरु क्यों बनाए, भगवान के रूप में तो है ही। लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि आप सामान प्राप्त कर सकते हैं, मनोकामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको संचालित करने का ज्ञान नहीं होगा, जीवन प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को जीने का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर ये जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। कोई जीवन तो एक जानवर भी जीता है, एक जीवन तो एक कीड़ा मकोड़ा भी जीता है, तो उसमें और एक इंसान में क्या अंतर है? दोनों में यही अंतर है कि ऋषियों की सबसे सुंदर रचना है इंसान, मानव, और वो इंसान मात्र उस इंसान में संभावना होती है कि वो शरीर में रहते हुए भी वो जीवात्मा शिव हो सकती है, वो जीव शिव हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को थोड़ा शिव की तरफ उन्मुख होना होगा, यानी अपने मन को उस महादेव की तरफ करना होगा।
अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चाएं हो रही थी हम लोग सुन रहे थे, तो बोलने वाले गुरु भाई ने कहा कि आप जो है उस महादेव से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जगत गुरु के रूप में गुरु बना सकते हैं। और जगत गुरु की बात जब हम लोग करते हैं तो उन्होंने बताया अभी आपको कि साहब ने कैसे शिव को अपना गुरु बनाया था, और बना के सिर्फ वो वहां ठहरे नहीं रह गए, उन्होंने इस बात को दुनिया में फैलाया, लोगों को बांटा दिया। तो जगत गुरु का रूप जो शिव का है, जैसे अनेक रूप है, उसमें एक रूप है जगत गुरु का, विश्व गुरु का, आदि गुरु का। आदि गुरु का अर्थ होता है जो सबसे पहला गुरु, अगर वो गुरु नहीं होगा तो संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता। तो आदि गुरु शिव, योगियों के भी गुरु शिव। अब साहब भैंदानंद जी के जीवन में जब गुरु की तलाश शुरू हुई तो उन्होंने बहुत सारे शरीरधारी गुरु को अपना गुरु बनाया। 31 अक्टूबर 1948 को बिहार का एक जिला है सिवान, उस जिला का एक गांव है अमलोली, उसी गांव में 31 अक्टूबर 1948 को साहब भैंदानंद जी का जन्म हुआ। और उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह, उनकी माँ राधा देवी, दोनों के वो प्रथम संतान थे, बड़े बेटे थे करके चार भाई बहन थे, सबसे बड़े पुत्र वही थे। उनके पिता बाद में शिक्षा विभाग के निदेशक हुए, और उस समय बिहार झारखंड एक ही राज्य था, अलग नहीं हुआ था। पूरे घर में शिक्षा का माहौल था, मतलब पढ़ाई लिखाई का माहौल था। जैसे आप देखिएगा कि कोई शिक्षक है अगर, तो उसके घर में हमेशा पढ़ाई की बात होती रहेगी। कोई अगर मास्टर है तो कहेगा कि बताइए पढ़ो, अपने बच्चों को कहते रहेंगे पढ़ो, हम दुनिया को पढ़ाते हैं, और मेरा बेटा बेटी नहीं पढ़ेगा तो लोग हंसेंगे। और उस समय साहब के पिताजी तो डायरेक्टर ही थे, शिक्षा विभाग के ही डायरेक्टर थे राज्य के। तो उनको लगा कि अगर मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो अगर नहीं ठीक से पढ़ेगा तो लोग तो कहेंगे कि डायरेक्टर साहब का बेटा ही ठीक से नहीं पढ़ता। तो उन्होंने हमेशा कहा कि पढ़ो नहीं तो कुछ बनोगे नहीं, यही कहते रहे। लेकिन जिसके जीवन में जो होना रहता है वही होता है। जब थोड़े बड़े हुए और उनके पिता के पास बहुत सारे साधु आते थे, एक दिन एक साधु आए थे और वो बैठे थे, बालक रूप में हरिंदानंद साहब भी वहीं पे अपने पिता के पास बैठे हुए थे। तो साधु ने खरीका को, यानी दांत जिसे हम साफ करते हैं, नीम का खरीका, उसको धरती पे पटका, पटकते ही वो खरीका जो है साफ कर गया। तो बालक अगर कोई बच्चे के सामने इस तरह की घटना हो जाती है तो वो तो घबरा जाएगा, तो वो घबरा कर चीख पड़े। उनको चीखते देखकर उस साधु ने कहा कि बाबा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, और फिर से वो खरीका बन गया। लेकिन इस घटना का प्रभाव उस बालक के मन पे ऐसा पड़ा कि उनको लगा कि ये जो अभी हुआ वो क्या था। तो लोगों ने बताया कि चमत्कार होता है ये। तो साहब को लगा जैसे एक बच्चे को लगता है कि मिठाई बहुत बड़ी चीज है, टॉफी बहुत बड़ी चीज है, बैलून बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो समझता है कि ये बहुत छोटी सी चीज है, इससे मेरा जीवन नहीं चलेगा। उस दिन साहब हरिंदानंद जी के मन को लगा कि ये चमत्कार तो अद्भुत चीज है, हम भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। और उन्होंने अपने पिता से चोरी छीपे बहुत सारे लोगों को अपना बारी बारी से गुरु बनाया, कभी कोई अंगूरी मिल गया तो उसको गुरु बनाया, ये सोचकर कि वो चमत्कार सिखाएंगे या कुछ ऐसा सिखाएंगे जिससे मैं भी बाबा बन जाऊंगा, लोग मुझको मेरे पास आएंगे। साहब कहते थे हंस के कभी कि उस दिन मैं सोचा करता था कि लोग मेरे पास आएंगे, मैं चिंता लेके बैठा रहूंगा, और जब कोई मेरा भला करिए तो मैं कहूंगा कि जा बच्चा तेरा भला होगा।
सांप ने कहा कि मैं कैसा सोचता था, लेकिन उस शिव ने मुझको कैसा बना दिया। उन्होंने कहा मेरे जैसे सोच वाले बच्चे को भी उन्होंने क्या से क्या बना दिया। जो शमशान साधना में जाते थे तो साहब शमशान साधना में जाने लगे, कब्रिस्तान साधना में जाने लगे, मंत्रों का जप करने लगे। यानी जो साधु जो अघोरी जो कपाली जो मिल जाए जो बताता था वो ये करने लगते थे, ये सोच के कि हाँ ये करने से मुझको वो प्राप्त होगा जो मैं चाहता हूँ। उनके जीवन के कितने वर्ष बीत गए। एक तरफ उनकी पढ़ाई भी चल रही थी, फिर वो जब ग्रेजुएशन कर चुके तो उनके पिता ने उनका नाम उस समय पटना जानते हैं आप लोग, पटना तो जानते होंगे, बिहार की राजधानी है, तो पटना में लॉ कॉलेज है, कानून की पढ़ाई होती है उस कॉलेज में। तो साहब का नामांकन लॉ कॉलेज में किया गया। अभी थोड़ी देर पहले पटना के ही बगल में आरा नाम का जिला है, उस जिले के ही गुरु भाई है अजय कुमार गुप्ता जी, जो अभी आपसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने सही कहा कि साहब शाम को ट्रेन पकड़ के आरा जाते थे, रात में वहां शमशान साधना करते थे, फिर सुबह की ट्रेन पकड़ के वापस पटना आते और फिर दिन में कॉलेज करते। तो स्वाभाविक है जिसका ये नियम बन जाएगा वो समझ लोग तो समझेंगे कि पढ़ता ही नहीं होगा कभी। और इसी क्रम में जैसे आप कोई काम करते करते जब थक जाते हैं और बिल्कुल निराश हो जाते हैं, तो एक दिन आपका मन जो है पूरी तरह निराश होकर उन सारे काम को छोड़ देता है जो आप पहले से करते आ रहे हैं। तो उसी आगरा के गांधी शमशान में नवंबर का महीना था और 1974 का वर्ष चल रहा था, साहब आधी रात में उस शमशान में अकेले तन्हा बैठे ये सोच रहे थे, अपने पीछे के 14-15 वर्षों के जीवन को देख रहे थे कि जो शमशान साधना करते हुए तरह तरह के आराधना करते हुए बुरा था, उनका मन निराश हो गया। उनके निराश मन ने उस समय सोचा कि अब सबको छोड़ दूंगा, अब किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, कहीं कुछ नहीं मिला, क्या सोचा था और क्या हुआ। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये श्लोक उन्होंने बचपन से सुन रखा था। उन्होंने कहा कि जब गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, उस गुरु में महेश की शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु में साक्षात ईश्वर ही वास करते हैं, तो वो ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है। बस बात इतनी हुई थी, बस उनके मन में यही कौतूहल था और उन्होंने शिव को ईश्वर समझ के भगवान समझ के अपना गुरु स्वीकार किया। उसके बाद उनके जीवन में ये सारी घटनाएं आई, नमः शिवाय सांस गया, नमः आया शिवाय उतर गया, मुजफ्फरपुर के तुर्की में ये घटना हुई। फिर बाद के सालों में बेगूसराय जिला है वहां पे एक सुबह आकाशवाणी हुई जिसमें आवाज आई कि तुम क्या करते हो। साहब ने कहा कि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था। जैसे आपसे अगर कोई आप डॉक्टर हैं, कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। कोई कहता है कि आप क्या करते हैं, तो कहते हैं मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। तो साहब ने कहा कि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था, मधेपुरा से आया था बेगूसराय, और आवाज जब आई आकाशवाणी जब आई कि तुम क्या करते हो, तो मेरे मुंह से निकल गया उस समय कि मैं शिव शिष्य बनाता। और बस उन्होंने कहा कि यही कह के तो मैं फंस गया कि मैंने कहा, मेरे मुंह से आवाज आई उत्तर में कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। फिर कुछ देर तक जो बातचीत हुई उसके बाद उसमें आवाज आई कि तुम जो करते हो, यानी तुम क्या करते हो, साहब ने क्या किया था, वो खुद शिव के शिष्य बने थे और उन्होंने दूसरे को शिव के शिष्य बनाना शुरू किया था। तो आवाज ने कहा कि जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं,
छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करिए, गर्मी सबके लिए है, उसको हटवा दीजिए, जहां था रवि जी वही रखवा दीजिए, जहां था वही रखवाइए। और यही कह के वो फंस गए। सही बात है कि इसी पे उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि एक सरदार जी पानी के जहाज से यात्रा कर रहे थे। तो पानी के जहाज में देखिएगा बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है रेलिंग के किनारे किनारे घूमने लगते हैं। तो उस पानी के जहाज में एक बच्चा जो रेलिंग के पास घूम रहा था, वो अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिर गया, नदी में गिर गया। अब पूरे जहाज में हल्ला हो गया, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। तो अचानक लोगों ने देखा कि वो सरदार जी जो है वो पानी में कूदे हुए हैं और वो बच्चे को बचा के ला रहे हैं वापस। तो सब लोगों ने उनकी एकदम तालियां बजाने शुरू की कि वाह सरदार जी, क्या काम किया आपने, किसी की हिम्मत नहीं हुई नदी में कूदने की, आप कूद गए, आप लेकर आ गए उसको। तो उस सरदार जी ने कहा कि मैं उसको खोज रहा हूं जिसने मुझको धक्का दिया था पानी में। किसने धक्का दिया था मुझको, मतलब किसी ने धक्का दे दिया। तो जब सरदार जी गिर ही गए पानी में, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि जब गिर ही गया हूं तो बचाने का काम भी मैं ही कर लेता हूं। नहीं, तो साहब ने कहा कि जब मैं फंस ही गया बोल के, तो फिर मुझ पे ही ये काम आ गया कि ठीक है, यही काम उसको करना है। फिर 1982 में उन्होंने मधेपुरा जिले में कमरे से बाहर सुन की चर्चा करनी शुरू की। उन्होंने दुनिया के लोगों को, आप ये नहीं कह सकते कि बिहार में रहे तो बिहार के लोगों को, उन्होंने जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाया था। और जगत गुरु शिव के अंदर तो पूरा जगत है, पूरी दुनिया है, चाहे वो भारत देश में हो या किसी और देश में हो। तो उन्होंने दुनिया के लोगों के लिए एक संदेश देना शुरू किया कि शिव जो जगत के गुरु हैं, लेकिन मेरे नहीं है तो आपके किसी काम के नहीं। उन्होंने दुनिया के लोगों को कहा कि जो सार्वजनिक होता है, जो सबका होता है, वो मेरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो सार्वजनिक है सबके हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं है अगर कोई फायदा नहीं। ये हॉल सबके लिए है, आपका नहीं है ना, एक आदमी का नहीं है, लेकिन जिस घर में आप रहते हैं वो आपका है। तो उसकी टूट फूट होगी तो आप उसकी परवाह करिएगा, लेकिन इस हॉल में कुछ भी टूट जाएगा तो आप नहीं आइएगा देखने। सड़क टूट जाती है बारिश में, कोई नहीं बनाता, लेकिन घर का आंगन अगर टूट जाए तो रात में ही बन जाता है, क्योंकि वो मेरा है। बस उन्होंने कहा कि इसी का सब खेला है कि वो मेरा है, वो भोला है, वो महादेव है, वो जगत का गुरु है, लेकिन मेरा गुरु है। यही बात उन्होंने लोगों को समझाने शुरू की। और बाद के समय में लोगों ने शिव को अपना गुरु भी बनाया। आज जिस काल में हम बैठे हैं 2023 में, 1980 के दशक से जो बात शुरू हुई थी लोगों के बीच, आज 2023 में हम खड़े हैं। और भारत ही नहीं, नेपाल से लेकर न जाने कितने देशों तक महादेव की शिष्यता के बाद, शिव की शिष्यता के बाद पहुंच चुकी है, पहुंच रही है, वहां तक पहुंचती है जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। पता भी नहीं चलता कि कौन जाकर वहां महादेव का काम कर रहा है। अब हम लोग को थोड़ा सोचना होगा ये कि जो उन्होंने कहा है शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने इस बात का विश्वास किया है, उसी तरह हम लोगों को उनके और बातों का विश्वास भी करना होगा। जैसे उन्होंने कहा कि शिव से आपका मन जुड़ जाए, आपका जुड़ाव हो जाए, इसके लिए आप ये तीनों सूत्र कर सकते हैं, तीनों सूत्रों का सहारा ले सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर हम लोग शुरुआती चीज को ही ठीक से नहीं समझेंगे तो उसके ऊपर के सारे गणित जो है बेकार हो जाते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को कहते हैं कि पहले ही एक दो और दो तीन का जो है रटने नहीं आएगा, बनाने नहीं आएगा, तो आगे का भी गणित नहीं बना सकोगे। शिव शिष्यता गणित नहीं है, शिव की शिष्यता एक संवेदना है जो साहब ने कही, उनके दिल का दर्द रही।
तो उन्होंने कहा कि इसको बस एक बार अपने मन में स्वीकार कर लेना है कि मेरे गुरु शिव हैं, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और उसी मन से, मन ही एक साधन है और किसी साधन की जरूरत नहीं है आपको, उसी मन में जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा पति है, जैसे हम जब तक दुकान में रखती है वो सामान हमारी नहीं होती, लेकिन जिस दिन हम पैसा देकर चप्पल खरीद के ले आते हैं वो चप्पल मेरी हो जाती है, जिस दिन हम कपड़ा खरीद के ले आते हैं वो कपड़ा मेरा हो जाता है, कपड़े की दुकान में आग लग जाए मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे कपड़े में अगर आग का एक छींटा भी लग जाए और जल जाए तो मेरा मन बुरा हो जाता है, क्योंकि मेरा है। तो साहब विवेकानंद जी ने कहा कि पहला सूत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत ही गलत हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तो उसके ऊपर की सारी इमारत भी हल्की रहेगी। यानी वो नीम का पत्थर है, उसको मजबूत होना बहुत जरूरी है, बाद की सारी चीजें उसी पर निर्भर करेंगी। मेरे गुरु शिव हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, हे शिव, शिष्य कहता है अपने गुरु को, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, गुरु मतलब मेरे मन के अंधेरे को दूर करने वाले हैं, मेरे जीवन के अंधेरे को दूर करने वाले हैं, सारे रिश्ते मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध साथ नहीं छोड़ता। तो आप मेरे गुरु हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हम लोग भजन गाते हैं कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, हे गुरु मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझको लखा दो, दिखा दो कि मैं कौन हूँ। तो वो कहता है शिष्य कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझको दिखाइए कि मैं कौन हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। हम बोली में बोल रहे हैं मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, लेकिन हम मन में सोचते हैं कि मेरा बेटा भी ठीक हो जाए, मेरे पति का नौकरी मिल जाए, मेरे पेट में दर्द है वो ठीक हो जाए। देखिए कितनी बड़ी ऊर्जा बह रही है, आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन हम मांग के छोटी छोटी चीजों को मांग के छोटे हो जाते हैं। क्या पता वो क्या देने वाले हैं आपको, लेकिन आप इतनी छोटी चीज की मांग करते हैं जैसे बच्चा ट्रॉफी की मांग करता है। वो शिव आपको क्या नहीं दे सकते हैं, त्रिलोक का पति है वो, तीनों लोकों का पति, खुद निहंगी बैठा है, लेकिन वो शिव जो दे सकता है फिर दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। लेकिन ये दया क्या है, किस चीज की दया मांगते हैं हम? मेरा मन जो इस जगत में आके इस जगत में उलझ गया है, मेरा मन ये याद रखे कि यहाँ रहना नहीं है मुझको हमेशा, जहाँ लौट के जाना है उसकी याद ना भूल जाए, जिसने सब कुछ दिया है उसकी याद ना भूल जाए। आपके जालंधर से लगभग एकदम कुछ ही दूरी में अंबाला होगा, अंबाला क्या यहाँ से नजदीक है एकदम, बहुत शुरू की चर्चाओं में ही साहब ने यहाँ की एक कहानी हमेशा अपनी चर्चाओं में कही। जब पहली बार मैंने सुना था इस घटना को, साहब ने कहा था कि ये सच्ची घटना है, जब पहली बार मैंने सुना था उनके मुख से इस घटना को, तो कितने दिनों तक मेरे मन में ये चलता रहा कि वो ये कह तो रहे हैं, ये कहा एक अघोरी की एक नंबरदार की कहानी कह रहे हैं, लेकिन ये कहना ये नहीं चाहते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं। आप लोगों ने वो कहानी सुनी है, ज्यादातर लोगों ने तो सुनी होगी, कभी ना कभी सुनी होगी, साहब की चर्चाओं में सुनी होगी। अंबाला में एक नंबरदार था, अंग्रेजों का शासन था उस समय, और उस समय अंग्रेजों के शासन के समय अगर कोई पदाधिकारी होता था तो उसका तो बड़ा अभिलाप था, बहुत लोभ था, लोगों के ऊपर बहुत शासन था। एक रात क्या हुआ कि तूफानी रात थी, पूरी बारिश हो रही थी, तूफान चल रहे थे, और उस तूफान में एक नंबरदार अपने घोड़े पे बैठा हुआ नदी के तट पे पहुंचा। रात का समय, सन्नाटा, तूफानी रात, नदी के पानी में उबाल है पूरा, और उस तट पे कौन पहुंचा, तो वो अंग्रेजों का जो अफसर था नंबरदार वो पहुंचा। कितना भी अभिमान हो आपको, कितना भी अहंकार हो आपको, जीवन में कोई क्षण ऐसा आता ही आता है जब आपके सारे सहारे आपका साथ छोड़ते हैं,
और तब आपका मन छूटता है, समर्पित होता है, गिरता है। उस दिन क्या हुआ कि नंबरदार ऐसे तो बड़ा अपराध में रहता था, लेकिन अब उसका घर था नदी के उस पार और जाने का कोई साधन नहीं, बहुत परेशानी में खड़ा था। कुछ ही दूरी पे एक अघोड़े बैठे थे, उस अघोड़े ने इस नंबरदार को देख लिया था तो उसने पूछा कि क्या हुआ बच्चा। तो नंबरदार ने झुक के प्रणाम किया। अघोड़ियों का स्वभाव होता है कि आप झुक के प्रणाम कर दीजिए वो उसी को खुश हो जाते हैं। तो वो अघोड़ी खुश हो गया, उसने कहा कि क्या हुआ है। नंबरदार ने कहा कि मुझको नदी के उस पार जाना है और तूफानी रात है, नदी का पानी अहाफ है, कैसे जाऊं। अघोड़ी फंसा, बोला कि बस इतनी सी बात है, अपने दोनों हाथ को आगे कर। उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए, गीली रेत से, भीगे हुए बालू से मैं अपनी उंगली डुबा के अघोड़ी में उसी बालू से उस नंबरदार के दोनों हाथों को जो जोड़ के रखा था उसने, उस हाथ को उसने उसने लिखा शी और एक हाथ पे लिखा व। कहा पढ़ो, नंबरदार ने पढ़ा, कहा कि शिव। अघोड़े ने कहा हाँ, इसी शिव को देखते हुए नदी पार कर जाओ। उस समय ऐसा माहौल हो गया, ऐसा वो ऐसी स्थिति हो गई कि नंबरदार का दिमाग कुछ और काम नहीं किया। वो पूरी तरह अघोड़े की बातों पर विश्वास करके उसी बालू से लिखे हुए शिव को देखता हुआ नदी के तरफ बढ़ गया। और जैसे जैसे वो नदी में आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नदी का पानी जो है पत्थर की तरफ होता जा रहा है, वो उस पे चलते हुए बढ़ा जा रहा है। जब आधी नदी से ज्यादा वो पार कर चुका तो उसको अचानक याद आया कि ये वही शिव है ना जिसकी पूजा मेरी माँ करती है, मेरी पत्नी करती है, जिनका मंदिर है मेरे गांव में, ये वही शिव है ना। अचानक उनको याद आया तो उन्होंने, उस नंबरदार ने जैसे ही ये सोचा कि ये तो वही शिव है ना, कि अचानक वो डूबने लगा पानी में। डूबते डूबते वो चिल्लाया, अघोड़ी उस तरफ से उसको देख ही रहा था कि वो जा रहा है लेकिन कितनी दूर तक जा सकेगा। जैसे ही उसने देखा कि वो डूबने लगा वो समझ गया। अघोड़ी ने चिल्ला के कहा, वहीं से तेज आवाज में कहा कि रे 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 रे, अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख, अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। डूबते डूबते नंबरदार ने अपने हाथों को जोड़ा, फिर से उसके ख्याल में वही शिव आए और वो नदी पार करके चला गया। साहब ने कहा कि ये सच्ची घटना हुई थी। कितने दिनों तक मेरे मन में ये चलता रहा कि ये घटना जो उन्होंने बताई है वो हम लोगों को कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी मेरी बात को मानो, मेरे पीछे चलो, मेरे मेरे हर बात को जानो, मतलब हमेशा ये बात नहीं कही। लेकिन उस दिन जब 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 ये घटना वो सुनाते थे तो मन ये समझता था कि वो कहना यही चाहते हैं कि हम लोग जो अनेक तरह की चीजों में फंसे हुए हैं, वो कहना यही चाहते हैं कि जो शिव का दर्शन उन्होंने किया है, जिस शिव का दर्शन उन्होंने किया है, वो चाहते हैं कि दुनिया के लोग उसी शिव का दर्शन करें, उसी शिव से जुड़े, क्योंकि वो शिव जितना ज्यादा आपका अपना है उतना ज्यादा वो भी आपका अपना नहीं है। आप गुरु के रूप में जुड़ते हैं शिव से, लेकिन कोई भी गुरु हो वो एक दिन ईश्वर से मिलवाता है। शिव भी जब गुरु होंगे हम उनसे जुड़ेंगे, शिष्य बन के जुड़ेंगे, लेकिन वो शिव एक दिन हमको अपने संपूर्ण महेश्वर के रूप से मिलाते हैं। और जब ये हो जाता है तो दुनिया में कौन ऐसी चीज है जो आप चाहिएगा और नहीं होगा? कोई ऐसी चीज है जो आप चाह रहे और वो नहीं हो? हर वो चीज होगी, लेकिन जो शिव को चाह देगा वो फिर और क्या चाहेगा? जो शिव को ही चाह लेगा वो फिर और क्या चाहेगा? चाहत बचेगी कहां, क्योंकि प्रेम जब पैदा हो जाता है तो फिर किसी और चीज की चाहत नहीं होती।
फिर किसी और चीज का ध्यान नहीं जाता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। प्रेम दो में पैदा होता है लेकिन दोनों को एक कर देता है। गुरु और शिष्य में पैदा होता है जरूर, लेकिन एक दिन उस शिष्य को उस गुरु में ही मिला देता है। इसीलिए वो जीरो शिव होता है, बूंद समंदर होती है। वो बूंद अगर अपने आप को भूल जाए और समंदर में मिल जाए तो समंदर जैसी ताकत, समंदर जैसी ऊर्जा उसके अंदर होती है। लेकिन इसके लिए अपने अस्तित्व को भूलना होगा, शिव को याद करना होगा। जिस शिव की याद साहब वैद्यनाथ जी ने दिलाई, जिस शिव की याद में उनके रास्ते पे चलने का रास्ता दीदी नीलमानंद जी ने कहा। अभी भाई अजय जी ने कहा कि बाहर बैठक में लिखा है कि अगर आप ईमानदारी से श्रृंगार करेंगे तो आपके रास्ते के कांटों को वह छू होगी। दीदी नीलमानंद जी ने शरीर में रहते हुए शिव की चर्चा में ये बात कही थी, हरी सभा में कही थी, मंच पे बैठ के कही थी, सबके बीच ये वादा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं छाया बनकर आपके साथ रहूंगी, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बसंत गुरुकारी में बेईमानी नहीं। ये बात भी उन्होंने कही थी कि मैं छाया बनकर रहूंगी, आप क्या मतलब करेंगे मेरे लिए, मैं छूट कर आपके रास्ते के कांटों को छूट लूंगी। कांटे मतलब समस्याएं, बाधाएं, परेशानी। दुनिया में बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ बेचैनी है, लेकिन कोई उनको हटाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा ये भी वादा कर लिया, आप गुरु के रास्ते में चलिए तो मैं ये भी करूंगी आपके लिए। साहब ने कोरोना काल में एक किताब लिखी, आओ चले शिव की ओर, उसकी पंक्ति है ये। उन्होंने लिखा कि मैं शिव का शिष्य इंद्रानंद अवगत हूं, झुका हूं उन सभी शिव शिष्यों के आगे जिन्होंने मेरे गुरु शिव के कार्य को करने में मेरी मदद की, सहायता की। उन्होंने कहा कि मैं पद प्रचारण करता हूँ उन सभी का। पद प्रचारण का अर्थ होता है हमारे गाँव में, अब हमारे कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले मैंने देखा था कि अगर कोई थका हुआ आता है घर में, दूर से यात्रा करके आता है, तो उसके पाँव बहुत मुसलत हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो घर में आने से पहले दरवाजे पे ही उसके पाँव को धोया जाता है ठंडे पानी से, इसलिए कि पैरों की गंदगी भी निकल जाए और थकान भी दूर हो जाए। साहब इंद्रानंद जी ने कहा कि मैं शिव का शिष्य इंद्रानंद पद प्रचारण करूंगा, पैर धोके रखूंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे। हालांकि ये पंक्ति सुन के हम लोगों के शरीर को सर्वंगी से गड़ जाना चाहिए कि शिव का से इंद्रानंद जी अपने गुरु शिव के लिए इतना झुक सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं झुक सकते। हम लोग इसको सोचते हैं कि वो नहीं आया तो मैं क्यों जाऊँ, उसने ज्यादा नहीं बिछाई थी इसके यहाँ चर्चा में हम नहीं जाएंगे, उसको कुर्सी दी तो हमको क्यों नहीं दी थी, उसको चाय पिलाया मुझको क्यों नहीं पिलाई। गए थे गुरु का नाम लेकर लेकिन गुरु के सिवा सब कुछ याद आता रहा। लेकिन हम आदर्श कहते हैं अपने बड़े गुरु माता को कि आदर्श है वो शिव शिष्यता के। उन्होंने ये कहा कि जब से चला हो मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हो, जब से शिव शिष्यता के रास्ते पे चला हो मेरी नजर कहाँ है, चला हो मंजिल पे है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर भी नहीं देखा। उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले, हम लोग चलते हैं ना तो हर कुछ के बाद हम लोग मील का पत्थर देखते हैं, माइल स्टोन देखते हैं कि अब जालंधर कितनी दूर बाकी है, अब अमृतसर कितनी दूर बाकी है, कहते हैं ना, पढ़ते ना वो। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी पढ़ने के लिए मील के पत्थर को नहीं देखा कि मैं कितनी दूर आया हूँ, मैंने शिव को देखा और शिव की तरफ चल रहा हूँ, शिव चल रहा हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि आओ चले शिव की ओर। रास्ते में बहुत चीजें हैं, कितने चीजों को देखोगे, क्या क्या देखोगे, और वो चीजें तो आपका रास्ता रोकती ही है। दूसरों को देखते देखते अपनी यात्रा भी भूल जाती है। हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने गुरु शिव की बात दूसरों के बीच रखें, बाकी अपने गुरु महादेव को छोड़ दें। अकाल तख्त कहते हैं उनको, अकाल जिसकी मौत नहीं होती, जो काल से परे है वो शिव, वो मेरा आपका गुरु है और दयालु है, कितनी दया है उसमें। शिव की दया से आग्रह
जो चीजें हमको आपको मिली हैं वो संसार में सदा विजय दी है। संसार में उसकी हमेशा विजय होती है अगर वो शिव की दया से आते हैं तब। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासा पे अगर आई है तो उस पर बात कर ले ताकि गुरु कार्य में गति मिल सके हम लोगों को। हम लोग जालंधर में आज यहाँ बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं ये कभी मत समझिएगा कि हम लोग कम लोग हैं, क्योंकि पहला महोत्सव जब साहब ने किया था उस पहले महोत्सव में गढ़ बरवारी में किया था, उस पहले महोत्सव में 13 लोग थे। और साहब वैद्यनाथ जी उस दिन उन्होंने ये घोषणा की थी कि आज जो 13 लोग हैं आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे। लोग आश्चर्य में रह गए थे, उनको विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज कितने करोड़ हैं हम गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत हैं। जैसे शिव को जपा नहीं जा सकता, उनके अनेक रूप है, आपकी सांसों पे भी जो है वो आपके पास उसकी गिनती नहीं है, वैसे ही इसकी भी कोई गिनती नहीं है कि आज शिव के शिष्य कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। लेकिन जो जहाँ है असंख्य शिव शिष्य अच्छे मन से निश्चल मन से अपने गुरु शिव की शिष्यता को अपने दिल में धारित करके समाज में उतर रहे हैं और समाज के लोगों को शिव का रूप दे रहे हैं। शिव का रूप जो सबसे सुंदर है, जो सबसे सत्य है, इसीलिए शिव को कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है जो कभी नहीं बदलता, जो सुंदर है जिसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। आज फूल खिले हैं कल फूल नहीं खिलेंगे, मुरझा जाएंगे। आज आप जवान हैं कल बूढ़े होंगे, मर जाएंगे। आपकी सत्यता बदलती है, आपकी सुंदरता बदलती है, इस दुनिया के हर चीज की सुंदरता बदलती है, लेकिन उस शिव की सुंदरता कभी नहीं बदलती। उसी को अपना बनाने की बात साहब ने कही। भाई प्रभु जी हैं, स्थानीय गुरु भाई हैं, इनकी एक जिज्ञासा है, शिव की शिष्यता में दीक्षा नहीं दी जाती, दक्षिणा भी नहीं दी जाती, क्या बिना दीक्षा और दक्षिणा का कोई शिष्य हो सकता है? भारतवर्ष में परंपरा रही है गुरुमुख होने की, मतलब किसी को अपना गुरु बनाने की और शिष्य बनने की। तो गुरु जब आप बनाते हैं किसी को तो गुरु दीक्षा देते हैं। दीक्षा का अंग्रेजी होता है इनिशिएशन यानी प्रारंभ, मतलब अब आज से ये शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। दीक्षा यानी आपकी यात्रा की शुरुआत, और गुरु की दक्षिणा यानी आपका मन जब गुरु के लिए कृतज्ञ होगा, झुकेगा, एहसान मानेगा, तो आपका जो कर्मानुरागी मन है, इंसान है ना हम लोग कुछ करना चाहते हैं, बच्चा मेरा प्यार करता है तो हम भी उसको प्यार करना चाहते हैं, हम उसको खिलाते हैं। आप देखिएगा एक छोटा सा बच्चा वो भी आके आपकी माँ के मुंह में खिलाने लगता है, करना चाहता है कुछ ना कुछ, कृतज्ञ है, प्रेम है, लेकिन कैसे इसको किया जाए इसको समझ नहीं पा रहा है, तो कृतज्ञ होता है। तो गुरु की दक्षिणा और गुरु के द्वारा दीक्षा, ये दोनों गुरु सदगुरु तक की श्रेणी के लिए तो चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं जगत गुरु शिव की, तो जगत गुरु शिव की बात जब हम करते हैं तो वो जगत का गुरु है, वो कोई वर्जना नहीं लगा सकते, वो कोई बंधन नहीं लगा सकते, वो आपके ऊपर कोई नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे लोग तो उन्हीं के हैं। हमारे आपके कुछ लोग अपने हैं, कुछ दूसरे हैं, लेकिन शिव के लिए कुछ अपने कुछ दूसरे नहीं है, शिव के लिए सब अपने हैं। इसीलिए उनके दरबार में राक्षस भी बैठे नजर आते हैं, उसी भाव से देवता भी बैठे नजर आते हैं, बाघ भी बैठा नजर आता है और बैल भी बैठा नजर आता है, सांप भी और चूहा भी, मोर भी, सब भाव से आके बैठ जाते हैं। जगत गुरु शिव कोई बंधन नहीं लगा सकते, इसीलिए जब दीक्षा की बात आती है तो उनके लिए सारे लोग बराबर हैं। हमारा आपका मन में ये सोचना कि आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु माना है, ये सोच, यही सोच दीक्षा की शुरुआत है। दीक्षा हो गई, आपने सोचा और शुरुआत हुई, आपने कहा है और शुरुआत हो गई, आप शिष्य हो गए, आपको किसी भी कर्मकांड की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं जो हैं जहां हैं
वैसे ही शिव को अपना बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है कि मन चाहता है कि गुरु के लिए कुछ करे। शिव शरीर में तो है नहीं, शिव शरीर में रहते हैं तो शायद हम लोग पता नहीं क्या क्या करते। बहुत पहले बेगूसराय में एक संगोष्ठी हुई थी, उस समय दीदी माँ भी थी, हम लोग गए थे सदानंदपुर में। साहब ने कहा कि आज मैंने ध्यान में देखा कि महादेव शरीर में उतर के आए हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब वो उतरे हैं, एक शिष्य ने देखा कि शिव उतरे हैं शरीर में, और शरीर में जब उतरे हैं तो बारिश का समय है, धरती पे जो घास उगी हुई है तो बारिश में आप देखिएगा कि बहुत सारी घास हो जाती है और एकदम नुकीली होती है, पैर में चुभ जाएगा अगर खाली पैर जाइएगा तो शिव के शिष्य ने सोचा कि मेरे गुरु के शरीर में वो चुभ जाएगा, तो उन्होंने अपने हाथ को ही आगे बढ़ा दिया। देखिए ये ध्यान में जो आया है वो बता रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ को ही आगे बढ़ा दिया। लेकिन महादेव हाथ में पांव कैसे रखेंगे, शिष्य के हाथ में तो पांव नहीं रखेंगे, वो उन्होंने नहीं रखा। तो शिष्य ने कहा कि बैठिए, अब वो कुछ भी करना चाह रहे हैं कुछ भी बैठिए, तो वो बैठे। लेकिन अब बैठेंगे कहाँ, चट्टान है। और इन्होंने देखा कि इन्होंने अपने शर्ट को, जो शर्ट उन्होंने पहना था उसी को खोल दिया और खोल के चट्टान पे बिछा दिया और कहा कि बैठिए। शिव बैठ गए। ये ध्यान में आई थी ये बात, उन्होंने उस समय सत्य बीज कही थी। उस समय कुछ लोग रहे होंगे और लगता है कि उनकी किताब में भी ये, हाँ ये जिक्र है, किताब में भी लिखा होगा, उसी में होगा, दीक्षा और दक्षिणा में ही होगा, पढ़ा है आपने, हाँ ये बात उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने लिखा कि शिष्य कृतज्ञ है, एहसानमंद है, गुरु मैं आपके लिए क्या करूँ, आपने जो दिया किसी ने नहीं दिया, मैं क्या करूँ आपके लिए, कुछ भी करना चाहता हूँ। तो गुरु आदेश के अनुसार करने भर से गुरु की दया मिलती है। गुरु आदेश क्या है, आकाशवाणी क्या हुई थी, साहब को क्या सुनाई दिया था कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो, यानी तुम क्या करते हो, तुम खुद भी शिव के शिष्य बनते हो और दूसरों को भी प्रेरित करते हो, तो यही काम कर लो। तो गुरु की दक्षिणा देने का सर्वोत्तम जो उपाय है वो ये है कि हम अपने गुरु के सामने खड़े होकर जो कहेंगे कि गुरु आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छा है कि हम इस दुनिया में ही हल्ला कर दें कि वो शिव बहुत अच्छा है, वो शिव बड़ा सुंदर है, वो शिव जितना अपना है कोई अपना नहीं है, तो क्यों नहीं हम इस दुनिया में ये बात कहें। हम में से बहुत लोग जो है थोड़ा शर्मिंदा होते हैं, सोचते हैं कि सबके बीच कैसे बोले, वो पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, लगता है कि बोलेंगे तो पता नहीं मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पता नहीं हमको क्या समझेंगे। लेकिन क्या पता, आप जानते भी नहीं होंगे कि हो सकता है आपसे भी ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति को घुमा दे। आप क्या जानते हैं, बाहर से देख के आप जिसको समझते हैं कि ये बड़ा सुखी होगा, वो अंदर से कितना टूटा है आप क्या जानते हैं। शिव से जोड़ दीजिए उसको, आज नहीं तो कल, कभी तो वो सुना है ना उसने आपसे कि शिव को गुरु बना लो, आज नहीं भी माना है अगर तो कभी ना कभी कोई ऐसा क्षण आएगा जब उसको याद आएगा कि किसी ने कहा था कि शिव को गुरु बना लो, शिव को अपना बना लो, क्या पता उस समय वो बना ले। साहब ने कहा दिया है शिव शिष्टता का, छीटो छीटो छीटो। जैसे आज जिस संसार में हम लोग रहते हैं इसमें आप देख ही रहे हैं कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, विकास हुआ है, विकास जब होता है सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, तो पेड़ की कटाई होती है। तो अब हम लोग कहते हैं कि भाई आपके पास कोई दिया होता है ना घर में, कहीं से भी गुजरते हैं ना, तो छींट दीजिए रास्ते पे, मिट्टी पे छींट दीजिए, क्या पता बारिश के होने से वो अंकुर जाए, क्या पता एक दिन वो विशाल पेड़ बन जाए। आप हर जगह जाके गड्ढा नहीं कर सकते, आप हर जगह जाके मतलब पेड़ की सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रकृति शिव की है, वही उसकी रक्षा कर देती है, जैसे मेरी करती है वैसे उसकी भी कर देती है,
वैसे ही साहब ने कहा कि शिव शिष्यता का बिया छींटो, जितना छींटोगे हर दिल में वो रोपा जाएगा, और क्या पता किसके दिल में कितना भगवान पुष्पित होगा। एक शिव के शिष्य अंदर शिव शिष्यता पलवित हुई तो आज करोड़ों की संख्या में शिव शिष्य हैं। अगर कुछ भी और लोग उन साहब के साथ चल पड़ेंगे अच्छे मन से, अच्छी मनसा से, तो दुनिया शिव का रूप होगी, ये पूरी दुनिया ही शिव का रूप होगी। शिव से बनी, शिव की इच्छा से, उनको आपके सामान की जरूरत नहीं, आपके रुपये पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको भी ये याद रखना चाहिए कि ये दुनिया उन्होंने बना के दी थी हमारे आपके रहने के लिए। ये प्रकृति, ये पांचों तत्व से बनी हुई दुनिया, ये उन्होंने बनाई थी सबके रहने के लिए। हम लोग इसकी भी रक्षा करें। मेरे गुरु शिव का बनाया हुआ है तो हम इसकी भी देखभाल थोड़ी करें। बहुत सारे गुरुगणों की जिज्ञासा है, एक साथ में जिज्ञासा रखने वाले गुरु के पास। गुरुगणों का कहना है कि हम लोगों के पति शिव को गुरु मानते हैं, लेकिन वे तीन सूत्र नहीं करते और शिव चर्चा में तो नहीं चलता है, लेकिन हम लोगों को रोकते भी नहीं। इसके लिए दीदी हम क्या करें? देखिए, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम तो हो ही रहा है, ये गुरु की दया के बिना हो ही नहीं सकता है। आप चल सकिए, इसके लिए किसी ने रास्ता बनाया। आप चल सकिए, इसके लिए किसी ने भाड़ा दिया है आपको। आप कुछ खा सकिए, इसके लिए किसी ने पैसे दिए हैं आपको। आप लौट के घर आइए तो आपके बच्चे सुरक्षित घर में है, इसके लिए कोई वहां रुका है तो उसने सब बहुते कम नहीं किए हैं आपके चलने के लिए, तो उसका महादेव का काम कम नहीं आका जाएगा। वो बोले चाहे ना बोले, लेकिन ये सारे चीज जो है वो महादेव के काम ही माने जाएंगे। इस हॉल में जो शिव की चर्चा कर रहे हैं या जो बैठे हैं, क्या उन्होंने ही सिर्फ शिव का काम किया है? जिसने इसकी बुकिंग की, जिसने इसमें आपके लिए बैठने की व्यवस्था की, जिसने इसमें पानी रखा है, जिसने साउंड लगाया है, जिसने मतलब आपकी देखभाल की है, क्या उन सबका सहयोग इस काम में नहीं है? सबके मिलके करने से ही एक बड़ा काम होता है। तो अगर पति इतना करते हैं तो उन्होंने कम नहीं किया है। हाँ, ये जरूर उनको कहिएगा कि जिस तरह भोजन बनाने से सिर्फ सबका पेट नहीं भरता, वैसे ही भोजन सबको खुद करना पड़ता है। ठीक है, वो चर्चाओं में ना जाए, लेकिन कम से कम पहला और तीसरा सूत्र करें, और बाहर नहीं भी जा सके तो घर में ही थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ा तो महादेव की तरफ मन को चलाए। जब कोरोना काल आया था, लोग अपने अपने गांव को लौटने लगे थे, उस समय गांव कितना याद आया था। उस समय महादेव के सिवा कोई नहीं याद आता था। स्थितियां जब ठीक होती हैं तो महादेव उतना नहीं याद आता, लेकिन जब सारी स्थितियां बिगड़ जाती हैं तो महादेव के सिवा कुछ भी याद नहीं आता। साहब महिमानंद जी ने कहा कि शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि शिव के बिना मैंने इस दुनिया को जाना ही नहीं। तो शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ मानवता ये दुनिया सबल होगी, सुगंधित होगी, पल्लवित और पुष्पित होगी, शिवमय होगी, ये मैं जानता हूँ। तो उस शिव के साथ हम लोग अपना मन करें, उसके साथ चलें, जहाँ रहिए थोड़ा ही दीजिए समय, लेकिन अपने गुरु का भी काम करिए। आपने अपने रिश्ते के लिए, हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ किया है, पति के लिए किया है, पत्नी के लिए किया है, माँ के लिए किया है, बेटे के लिए किया है, बेटी के लिए किया है, सब के लिए किया है, यहाँ तक कि अनजान लोगों के लिए भी किया है। अगर वो किसी मुसीबत में फंस गए, आप मिल गए हैं, तो आपने उनकी मदद की है, लेकिन अपने गुरु के लिए भी आपको करना है, ये भी सोचना होगा। ये भी एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो कभी साथ नहीं छोड़ता। जब सारे लोग छोड़ देते हैं तब भी नहीं छोड़ता। दुनिया में जो भी रिश्ते मिले हैं वो कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, कभी छल करते हैं, कभी प्रेम भी देते हैं, लेकिन हमेशा प्रेम ही नहीं देते, उसमें कुछ ना कुछ और भी मिला होता है। शिव के प्रेम में कुछ भी मिला नहीं होता। शिव के प्रेम को महसूस करिए, उनकी दया को महसूस करिए, और उनके लिए कुछ भी करिए। शिव के लिए कर दीजिए, अपने गुरु के लिए कर दीजिए, अपने लिए कर लीजिए,
अपने दिल में भी शिव किसी से बनिए, खुद से भी शिव किसी से बनिए और लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो शिव की सत्ता में चले। आशा है और विश्वास है, हम लोग नहीं जानते कि हम लोग के जीवन में कितने पल बचे हैं, कब तक हैं इस दुनिया में, कब इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई नहीं जानता। मौत की एक बूंद पड़ती है और ये जीवन की कागज जो है गल जाती है, खत्म हो जाती है, समझने का सोचने का मौका भी नहीं मिलता। प्रिय से प्रिय आदमी आंखों के सामने चला जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये जीवन शिव के चरणों में गिर के मिट जाए, मर जाए, इस तरह हमारे मिट्टी ठिकाने लगे, इससे सुंदर मिट्टी ठिकाने और किसी भी तरह से नहीं हो सकती। कोई आपको याद करेगा कि आपने उसके जीवन में शिव को उतारा है, आप बहुत कुछ कर दीजिएगा तो वो भूल जाएगा, लेकिन शिव को उतारा है तो वो याद रखेगा। तो इतना ही कर दीजिए किसी के लिए, उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक जिज्ञासा दीदी को और आप लोग अभी एक जिज्ञासा हम आप लोग स्थित है ना, एक व्यवस्था से यहाँ स्थानीय गुरु बहन की एक जिज्ञासा है कि जालंधर के गुरु भाई बहन शहाब दीदी का तस्वीर लगाकर पैसा चढ़ाते हैं और चर्चा के क्रम में नाश्ते गाते हैं, क्या यह करना उचित है? दीदी जी कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, पहले तो हम ये बता दें आपको कि साहब हरिंद्रनंद जी ने अपनी और दीदी नीलमानंद जी की तस्वीर कभी नहीं लगवानी चाहिए थी, कभी नहीं चाहिए। उन्होंने हम कहा कि अगर तस्वीर भी लगानी है तो महादेव की लगाओ, और किसी की महादेव ही उतरेंगे, मैं भी आज हूँ कल चला जाऊंगा, महादेव तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन जब दुनिया में है ना हम लोग, तो दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे से अच्छे भी और व्यापारी से व्यापारी भी। जब शिव की सत्ता बढ़ने लगी तो कुछ जगहों पे लोगों ने अपनी तस्वीरें महादेव के साथ लगानी शुरू कर दी। इसलिए विवस्था में हम लोगों को साहब से निवेदन करना पड़ा कि अब अगर आप अपनी तस्वीर नहीं लगाने देंगे तो होगा ये कि हर जगह के लोग अपनी अपनी तस्वीर लगा के बैठ जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप पे तो विश्वास है ना कि आप छलावा नहीं करेंगे, आप लोगों को भ्रम में न रखेंगे तो आपकी तस्वीर लगे। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि कृतज्ञ है मन। अभी हम लोगों ने इसमें बात की गुरु दक्षिणा क्या होती है, कृतज्ञ है मन उन साहब देने के लिए जिन्होंने हमसे कुछ नहीं चाहा लेकिन हमको दिया है महादेव। कृतज्ञ है इसलिए उनको याद करते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर लगाते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि उस तस्वीर के पैसे चढ़ा के उनको मलिन मत करिए, उनके सम्मान को कम मत करिए। उन्होंने दिल में शिव को उतारने की बात की है, उन्होंने पैसे का व्यापार करने की बात कभी नहीं की। तो हम लोग कुछ उनको दे नहीं पाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनका मान रखिए, ये मत करिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि शिव की चर्चाओं में कोई नृत्य करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई आरती करने लगता है। साहब ने हमेशा कहा कि समाज में उतर के संसार के लोगों के साथ चल के भी तो आप महादेव को से जोड़िएगा उसको। तो कोई तस्वीर लगा लिया है घर में तो मना मत करिए, लगा लिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको समझाइए कि पिताजी की तस्वीर से नहीं मिलना है, पिताजी से मिलना है, जो मिलना है तो तस्वीर रखिए, पिता की रखते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसके सहारे आपको उस तक जाना है जहाँ आपको मिलना है। रही बात शिव की चर्चाओं में नृत्य करने की, नृत्य भी बहुत तरह के होते हैं। एक नृत्य ऐसा होता है जो शिव का तांडव होता है, शिव का तांडव, नटराज का स्वरूप, अगर वैसा नृत्य कर सकते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि शिव के नटराज के नृत्य करने से ये धरती कंपित होती है और उसमें अनाज की बालियां पैदा होती हैं, लोगों का जीवन भूख मिटती है उसकी, अनाज पैदा होते हैं, हवाएं अपने रूप बदलती हैं, दिशाएं अपने वस्त्र बदलती हैं। उस तरह का आप कर सकते हैं तो जरूर करिए, लेकिन संसार में जिस नृत्य को करने से फुहरता नजर आती है
आपके वस्त्र इधर उधर हो जाते हैं, आप बहन हैं, माँ हैं, भाई हैं, हम लोग भाई गुरु वहां मिलकर बैठते हैं, शर्मिंदगी होती है वहां, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि जैसे कि नाच गान का कार्यक्रम हो रहा है। शिव की चर्चा बहुत गंभीर बात है, बहुत सम्मान की बात है। हम लोगों को स्नेह मिला कि हम महादेव की बात कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जहां भी रहते हैं आप वहां कर सकते हैं, लेकिन इस स्नेह का सम्मान करिए। हीरा मिल गया है बिना खोजे, लेकिन इस हीरे की कद्र करिए, इसको फिर से धूल में मत मिला दीजिए। मेरा करवध प्रार्थना है मेरी कि जिस शिष्यता के लिए साहब और दीदी ने अपने जीवन को लगा दिया, हम अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो इस शिष्यता को बिगाड़िए नहीं। आप भले कुछ नहीं कर सकते हैं, आप छोड़ दीजिए शिव चर्चा को, आप अपने घर में बैठ जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन शिव के शिष्यता को लेकर समाज में दूसरे रूप में मत उतरिए। जिस रूप में साहब ने उतारना चाहा है उसी रूप में उतरिए, और देखिए कि आपको इन नाच गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आप में महादेव को देखेगा, कोई आप में माँ पार्वती को देखेगा। साहब ने किसी संकीर्णता पे बात नहीं की, जाति खंड पे बात नहीं की, गरीब अमीर पे बात नहीं की, छोटे बड़े पे बात नहीं की। उन्होंने मात्र एक बात कही कि शिव को अपना मानो और उसे भूल जाओ। लेकिन उनकी एक बात में इतनी ताकत है कि आज हमारे आपके मन की सारी संकीर्णता खत्म हो गई है। हम अपनी संकीर्णताओं को भूलकर एक साथ उठते बैठते हैं, प्रेमपूर्ण माहौल में रहते हैं। दे सकते हैं तो प्रेम दीजिए, दे सकते हैं तो सम्मान दीजिए। नारियल खाने का मन है तो खरीद के खा लीजिए, लेकिन उसको चढ़ाने के लिए दूसरों को प्रेरित मत करिए। क्योंकि शिव की चर्चा प्रतिदिन होने वाला काम है। कोई गरीब से गरीब लोग भी आपके साथ है, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से चलाएगा? तो क्या उसके यहाँ शिव चर्चा नहीं होगी? होगी ना। तो साहब के अनुसार उस शिव तक चलिए, जिस तरह अघोरे ने कहा था, मेरे शिव को देख, और उनका शिव ये नहीं सिखाता, वो समाज को मर्यादा में रखना सिखाता है। मर्यादा में तो सूरज और चांद भी है, मर्यादा में तो आकाश और धरती भी है। अपनी मर्यादा ये धरती भूल जाए तो क्या होता है, आकाश भूल जाए तो क्या होता है, विध्वंस ही होता है। इसलिए सामाजिक मर्यादा का भी पालन होना चाहिए। शिव की चर्चा को आपके द्वारा जो होती है उसको देखकर कोई दूसरा शिव को गुरु बनाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। हमें से ऐसा नहीं कि सारे लोग पूरी तरह शिव होकर ही शिव को गुरु बनाए हैं। बहुत ऐसे लोग भी आए जो दिन रात नशे में डूबे रहते थे, लेकिन उन्होंने शिव को गुरु बनाकर कब उनके जिंदगी से ये नशा दूर हो गया, कब ये शराब छूट गई, पता भी नहीं चला। क्योंकि उन्होंने देखा कि जब मैं पी कर जाता हूँ लोगों के बीच, और पीने वाले के मुंह से शिव की बात नहीं निकल सकती, ये शिव की भी सजा होती है, कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो होता क्या है कि उसके मन से खुद ही उतर जाता है। उसको लगता है कि मैं ऐसा आचरण करके महादेव की बात करूंगा तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो छोड़ देता है। घर घर में देखिएगा कब काफी कलह है, झगड़ा है, लेकिन जो शिव की बात करना शुरू कर देता है, तो कोई गुरुवान अगर शिव की बात कर रही है तो घर में अगर कुछ माहौल ऐसा हो भी जाता है तब भी वो कलह नहीं करती, तब भी वो चिल्लाती नहीं है। कारण क्योंकि उसको लगता है, उस समय याद आता है कि अगर आज मैं चिल्लाऊंगी दूसरे सुनेंगे तो कहेंगे कि ये कैसे शिव की चर्चा करती है, शिव की बात करने वाला इतना बेचैन है, शिव की बात करने वाला मंच पे अच्छी बात करता है और घर में कोलाहल करता है, नहीं कहेगा। तो देखिए, शिव की बात सिर्फ करने के लिए कही गई, लेकिन आपके जीवन की सारी गंदगी जो है उस गुरु ने खुद ही धो डाली है, वो खुद ही धो देते हैं और अच्छे मन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि जो जैसा है वो शिव का है, इसलिए आप उसकी समीक्षा मत करिएगा बैठ के कि कौन कैसा है, गुरु अपनी समीक्षा खुद कर लेंगे। निवेदन है कि शिव की शिष्यता की जो मूल धारा है ये बहुत पावन है, बहुत सुंदर है, इस मूल धारा को पावन ही रहने दीजिए। हालांकि आपकी गंदगियां आएंगी भी तब भी ये पावन ही रहेगा।
आप हम कितनी भी गंदगी उसमें डाल दें, ये पावन रहेगा, ये अपवित्र नहीं हो सकता। लेकिन क्या शिव के शिष्य ऐसा करेंगे? क्या शिव की बात करने वाले भी ऐसा करेंगे? क्योंकि अगर दूसरे करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन शिव की बात करने वाले अगर कुछ भी करेंगे तो कलंक आपके गुरु पे लगेगा, उंगली आपके गुरु पे उठती है, आप पे नहीं। लोग क्या कहते हैं? लोग कहेंगे कि जो शिव चर्चा करते हैं उन लोगों ने ये काम किया है, उन लोगों ने ऐसा किया है। इसलिए अपने गुरु के सम्मान के लिए, अपने गुरु के मान के लिए विष भी पीना पड़े तो हमारे गुरु ने पिया था, तभी तो दुनिया ने कहा था कि मान सहित विष खाएंगे संभू गए जंतुस, मान के साथ विष भी ग्रहण किया उन्होंने, इसीलिए आज उनको संभू कहते हैं, जंतुस कहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि महादेव की स्थापना हर दिल में अपने गुरु से दया मांग कर करने की कोशिश करिए, जितना ही कर सकिएगा उतना ही करिएगा। लेकिन इस निवेदन को याद रखिएगा, आज जोर का निवेदन है, साहब ने जालंधर के लिए बहुत सोचा, साहब के ध्यान में ये जालंधर है। चलिए ठीक है, सभी को पढ़ा।